भूमि सर्वे को लेकर एक बार फिर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। बिहार से बाहर काम करने वाले लोगों को अब सर्वे से ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहा, किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों को साफ तौर पर हिदायत दिया कि वे लोगों को परेशान नहीं करेंगे। कल देर रात्रि मोतिहारी पहुंचे मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भूधारियों के हित के लिए यह सर्वे कराया जा रहा है, इसलिए उन्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि बिहार से बाहर काम करने वाले लोगों को अब सर्वे में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो लोग भी बाहर काम कर रहे हैं या बिहार से बाहर है, अगर भूमि पर उनका कब्जा है और वह अगर ऑनलाइन ज़मीन रसीद कटवाते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यही नहीं बल्कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि अधिकारियों को साफ तौर पर हिदायत दिया गया है कि वे लोगों को परेशान नहीं करेंगे, उनसे किसी तरह की कोई कागजात ज़बरदस्ती नहीं मांगी जाएगी। साथ ही अगर पुराने बंटवारे और कब्जे वाले ज़मीन को लेकर पूरा परिवार एकमत होकर वंशावली बनाकर अगर अधिकारी को दे देगा तो वो मान्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भूमि पर विवाद कोर्ट में टाइटल सूट या सिविल सूट है तो सर्वे में फिलहाल वैसे ज़मीनों को चिन्हित करके तत्काल पेंडिंग में रखेगा। भूमि सर्वे को लेकर के कुछ गांव, विशेष करके गांव में या फिर जो दिल्ली पंजाब या दूसरे जगह रहते हैं उन लोगों के बीच मन में एक आशंका हो गया है कि ऐसा तो नहीं कि सर्वे में जो हमारा जमीन है जो वंशावली के तहत मुझे मिला है या अन्य कारणों से किसी तरह हम लोग आपस में बंटवारा नहीं कर पाए हैं तो फिर उसका सर्वे में होगा क्या। आप इतना निश्चित रहें, जो जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिनका कब्जा जिस जमीन पर है और अगर उनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, उनको कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं। जब ऑनलाइन रसीद कट रहा है और जमीन पर आपका कब्जा है तो राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी सर्वे अमीन को हमने निर्देश दे दिया परसों कि उनको किसी तरह का कोई कागजात मांगने का जरूरत नहीं है, उनका जमीन का सीमांकन करके सर्वे में जो हमारे रिकॉर्ड में है उनका नाम डाल दीजिए। दूसरा ये कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है जमीन का, हम लोग सब लोग मिल करके अपना अपना जिसको जो जमीन है उसका उपयोग कर रहे हैं, अब सर्वे में क्या होगा। तो हम लोगों ने कहा है कि अगर आपसी सहमति से पूरा परिवार वंशावली बना करके कोई अगर विवाद नहीं हो और जो जिस जमीन पर रह रहे हैं या जो जमीन बेच दिए हैं अगर विवाद नहीं है तो वो लोग अगर आपसी सहमति करके बता देंगे या कागज दे देंगे कि आपसी सहमति हमारी बन गई है तो उनको भी सर्वे में उसी तरीके से नाम दे दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी का टाइटल सूट है, किसी का सिविल सूट है और किसी तरह का कोर्ट में विवाद है तो वैसे जमीन या वैसे रैयत के चीज को हमने कहा है कि एक बार फर्स्ट फेज में उसको पेंडिंग रखने के लिए, किसी तरह का सर्वे में आम पब्लिक को राहत देने के लिए ये सर्वे है। धन्यवाद।